हेलो गाइज, आई एम सोनाली, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ कोई मेकअप लुक या मेकअप ट्यूटोरियल शेयर नहीं कर रही हूँ, या मैं कोई प्रोडक्ट का रिव्यू का शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं एक आपको बात समझाना चाहती हूँ मेकअप में, बिकॉज अक्सर ही जब भी मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल पोस्ट करती हूँ, लोगों का मुझे कॉमेंट आता है कि मेरा जो मेकअप है वो थोड़ी देर बाद ना काला पड़ जाता है, मेरा मेकअप जो है ना वो डल सा दिखता है, मेरा मेकअप ऐशी दिखता है, मेरा मेकअप जो है ना वो हल्का सा फ्लेकी सा हो जाता है, ड्राई हो जाता है, मेरी स्किन बहुत डिहाइड्रेटेड दिखती है आफ्टर पुटिंग लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑन माई स्किन। तो सबसे पहले तो अगर आपका स्किन जैसे आपने मेकअप लगाया, आपकी स्किन ब्लैकिश पड़ गई, तो वो रॉन्ग शेड ऑफ फाउंडेशन यूज करने की वजह से भी होता है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप इस वीडियो के बाद देखिएगा। बट अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपकी स्किन केकी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो वो रीज़न होता है हाइड्रेशन की कमी के वजह से। जैसे डिहाइड्रेट मतलब हाइड्रेशन की कमी, तो वो आप कैसे करोगे? अब सबसे पहले बहुत सारे लोग सोचेंगे पानी पीने को कहेंगी आज सोनाली जी। नहीं, मैं पानी पीने तो आपको कहती हूँ हमेशा, 3 to 4 liters वाटर आपको पीना चाहिए। बट आपका जो मेकअप है उसके पहले अगर आप एक चीज लगाओ और मेकअप खत्म होने के बाद आप एक चीज लगाओ, वो क्या चीज है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सस्पेंस को ब्रेक करते और बताते हैं वो क्या प्रोडक्ट है। ऐसी चीज जो आपको हमेशा मेरे ट्यूटोरियल में देखने को मिलती है वो है ये मिस्ट, फेशियल मिस्ट। ये है फेशियल मिस्ट फ्रॉम प्लम। अब ये कहोगे आपकी ओ दीदी तो प्लम का रिव्यू कर रही है। नहीं, मैं कोई प्लम का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं इसी मिस्ट नहीं किसी भी मिस्ट का बात कर रही हूँ, चाहे वो रोज वाटर हो सकता है, चाहे वो ग्रीन टी मिस्ट हो सकता है, चाहे वो लैवेंडर मिस्ट हो सकता है, कोई भी तरह का फेशियल मिस्ट हो सकता है वो। अब फेशियल मिस्ट जो होता है उसका क्या रोल प्ले होता है हमारे मेकअप में? आपने हमेशा मुझे देखा होगा जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो बिफोर स्टार्टिंग माई मेकअप मैं हमेशा स्प्रे करती हूँ अच्छे से अपने फेस पे। कभी मैं वादी का यूज़ करती हूँ, कभी मैं रोज वाटर यूज़ करती हूँ, कभी मैं प्लम का ग्रीन टी यूज़ करती हूँ। कोई भी फेशियल मिस्ट यूज करना है, बस मिस्ट जरूर यूज करना है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कौन सा जाएगा क्या जाएगा, आप रोज वाटर ही यूज करिए। तो ये मैं क्या करती हूँ, अच्छे से अपने फेस पे जेनरसली अप्लाई कर लेती हूँ, और जैसे ही वो ड्राई होने वाला रहता है ना, मैं फटाफट से अपना मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। तो जैसे जैसे मेरा स्किन जो है एब्जॉर्ब करता है उस हाइड्रेशन को, यानी मिस्ट को, उस वाटर को, वैसे वैसे मेरा मॉइस्चराइजर भी मेरे स्किन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मेरी स्किन एकदम प्लम्पी, सॉफ्ट, एकदम वेल मॉइस्चराइज, वेल हाइड्रेट हो जाती है। तो जब मैं प्राइमर लगाती हूँ, फाउंडेशन लगाती हूँ, कंसीलर लगाती हूँ, कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, इतने लेयर लगाने के बाद मेरी स्किन जो है ना, मुझे एक टाइम पे फील होता है कि यार हल्का, जैसे अभी मुझे फील हो रहा है कि यार मेरा जो स्किन है ना हल्का हल्का ड्राई हो गया है, खिंचा खिंचा सा लग रहा है, और थोड़ी देर बाद अगर मैंने ठीक नहीं किया ना तो लाइंस पड़ने लग जाएंगी, यानी ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट से मैं ये मिस्ट लेती हूँ और पूरा मेकअप खत्म होने के बाद वापस से इसे अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। पास करके स्प्रे मत करिए, जैसे आप सेल्फी लेते हो ना थोड़ा सा दूर करके, वैसे स्प्रे करती हूँ। फ्यू पंप्स में ही मेरा जो मेकअप है वापस से एकदम रिफ्रेश हो जाता है, रिहाइड्रेट हो जाता है, और मेरी स्किन वापस से एकदम प्लम्पी, सॉफ्ट, मॉइस्चराइज्ड, हाइड्रेट दिखने लगती है। अब ये तो बात हो गई बिफोर और आफ्टर मेकअप की, यानी कि अगर आप मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप एक फेशियल मिस्ट को भी एज अ सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो। अब बात हो गई, मैं ऑफिस जा रही हूँ, रास्ते में मैं एसी बस में गई, या फिर मैं एसी में काम करती हूँ, मैं दिन भर एसी में रहती हूँ, मेरी स्किन थोड़ी देर बाद वापस से ड्राई होने लगती है, तो क्या वापस से मैं फेस मिस्ट अप्लाई कर सकती हूँ? जी हाँ, आंसर बहुत सिंपल है, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। लिसन टू योर स्किन एंड सी योर मेकअप। अपने मेकअप को आप ध्यान से देखो, अगर आपकी स्किन एकदम, जैसे अभी मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं लग रहा है कि हाँ मुझे अनदर पंप की ज़रूरत है, बट अगर मुझे लगता है कि अरे यार मैं एसी में शूट करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे फ्लेकीनेस वापस से आ रहा है, मुझे दिख रहा है मेरी स्किन जो है ना खिंची हुई फील हो रही है, तो मैं वापस से इस स्प्रे को लेती हूँ, दूरी बनाकर बिल्कुल 3 to 4 pumps अपने स्किन पे वापस से स्प्रे करती हूँ और उसे एयर ड्राई होने छोड़ देती हूँ। आपको कोई अलग से स्पॉन्ज, एप्लीकेटर कुछ लेने की जगह एयर ड्राई होने छोड़ दो, एंड यू विल सी कि आपका मेकअप अगेन रिहाइड्रेट हो जाएगा। अब ये आप कितने बार कर सकते हो डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया। अगर आप बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ किए हो तो आपका मेकअप 3 to 4 hours बहुत अच्छे से लास्ट करेगा। अगर आपने फाउंडेशन यूज़ किया है
जो कि आपको सूट करता है, अच्छा है, डेमी मैट फिनिश है, वो 5 to 6 आवर्स स्टे करेगा। बट अगर आपका मैट फाउंडेशन है, बहुत अच्छा फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, जो कि क्लेम करता है 24 आवर्स तक जाएगा, तो वो 12 आवर्स तक भी स्टे कर सकता है। तो ये सारे जो स्टे करने वाले जो मेकअप होते हैं, अगर आप मिस्ट के साथ यूज़ करोगे तो वो 2-3 घंटे और उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ा देगा। ओके, तो बार बार आप टचअप नहीं कर सकते, वापस से आप रीअप्लाई नहीं कर सकते, तो फॉर श्योर फेशियल मिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे लिए वादी का लैवेंडर मिस्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, और मेरे लिए प्लम का ग्रीन टी बहुत अच्छा वर्क करता है। रोज वाटर पर्सनली मुझे फील होता है कि जिनकी ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन है उनके लिए बेस्ट वर्क करेगा। सो आप इस हैक को ट्राई करिए और उसके बाद मुझे ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा ऐसी वीडियोस तब, ताकि मैं और भी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं तो। मैं सोनाली, मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।